नमस्कार दोस्तों, साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में तथा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में जो मुख्य अंतर हैं वो और प्रमुख भौतिक और रासायनिक परिवर्तन वाले पदार्थ। दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर हर रोज सुबह 3 बजे एक साइंस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक वीडियो शेयर किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान पर क्लिक करके रोज शाम को साइंस के इम्पोर्टेंट नोट्स और इम्पोर्टेंट PDF फाइल तथा आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो रोज आप प्राप्त कर सकते हैं, रोज आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से। पहले हम पढ़ेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता क्या है, उसके बाद में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में कक्षा 6 से स्टार्ट हो जाता है और 10th क्लास में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के ऊपर पूरा एक चैप्टर होता है। चाहे वो CBSE हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, कोई भी एग्जाम का बोर्ड हो, उसमें 10th क्लास में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का चैप्टर पूरा आता है। इसलिए ये स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सी बार भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कुछ पदार्थों में ऐसा होता है कि परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। ऐसे जो परिवर्तन होते हैं उनको भौतिक परिवर्तन कहते हैं या वो परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जबकि दूसरी तरफ कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनमें पदार्थों के संगठन ही बदल जाते हैं और नए पदार्थ बन जाते हैं। ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। देखिए, रासायनिक परिवर्तन में एक्चुअल में होता क्या है कि उसके भौतिक संगठन ही चेंज हो जाते हैं और पदार्थ एक नया रूप ले लेता है। इट मीन्स नया पदार्थ बन जाता है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? ये वे परिवर्तन हैं जिनमें पदार्थ के भौतिक गुण तथा अवस्था में परिवर्तन होता है, परंतु उनके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। साथ ही परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः मूल पदार्थ प्राप्त होता है, जैसे कि जल द्रव अवस्था में होता है और गर्म करने पर गैसीय अवस्था वाष्प H2O बनाता है तथा ठंडा करने पर ठोस अवस्था बर्फ H2O बनाता है। मतलब कि यदि कोई पदार्थ, यदि कुछ जो अपने मूल पदार्थ होते हैं जैसे कि जल है H2O द्रव अवस्था में होता है। जल किस अवस्था में होता है? जल हमेशा द्रव अवस्था में होता है और गर्म करने पर यह गैसीय अवस्था H2O बनाता है तथा ठंडा करने पर ठोस अवस्था बर्फ बनाता है। यानी कि जल की 3 अवस्थाएं होगी। जल है, जब उसको गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगा और ठंडा करेंगे तो बर्फ बन जाएगी। ऐसे पदार्थों में परिवर्तन होते रहते हैं। देखिए, यहाँ हमने पूरा डायग्राम के माध्यम से इसको एनालिसिस किया है कि बर्फ है, बर्फ में भी क्या है? जल है, H2O है। जब इसको ठंडा किया जाता है तो यह बर्फ, पानी को जब ठंडा किया जाता है तो बर्फ में परिवर्तन हो जाता है और जब गर्म किया जाता है तो वाष्प में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात एक ही पदार्थ की 3 अवस्थाएं प्राप्त हो रही है यहाँ पे, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। पानी पदार्थ कौन सा है? पदार्थ पानी है, लेकिन इसकी हमें 3 अवस्थाएं प्राप्त हो रही हैं, ठोस, द्रव और गैस। 3 अवस्थाएं यहाँ पे पानी की प्राप्त हो रही हैं। लोहे का चुंबक बनना, नौसादर NH4Cl का ऊर्ध्वपातन शक्कर का पानी में विलय होना आदि इसके अन्य उदाहरण हैं। जैसे मान लो ऊर्ध्वपातन जो होता है, और जैसे NH4Cl होता है, नौसागर जो होता है उसको जब गर्म किया जाता है तो गर्म करते ही वो वाष्प में ऊर्ध्वपातन में परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए, भौतिक परिवर्तन के गुण कौन कौन से हैं? प्रमुख जो इनके जो प्रिंसिपल जो गुण हैं वो भौतिक परिवर्तन के कौन कौन से होते हैं? पदार्थ में केवल भौतिक गुणों जैसे अवस्था, रंग, गंध आदि में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? जो भौतिक गुण होते हैं पदार्थ के, कौन कौन से? अवस्था, रंग, गंध, खाली इनमें ही परिवर्तन होता है। और परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है।
मतलब कि यदि किसी पदार्थ को, जैसे यदि किसी रबड़ को खींचा जा रहा है, तो खींचते हैं तो रबड़ बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर दबाव कम कर देंगे तो वो पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है। वो कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन का ही गुण होता है, और यह परिवर्तन अस्थायी होता है, यानी कि भौतिक परिवर्तन से जो पदार्थ का रूप प्राप्त होता है वो स्थायी नहीं होता। जैसे यदि रबड़ को खींच लिया जाए, या फिर अगर किसी प्लास्टिक के डब्बे के ऊपर प्रेशर डाला जाए, तो वो अपने उस सेकंड अवस्था में नहीं रहता, दोबारा फर्स्ट अवस्था में आ जाता है। यही क्या है परिवर्तन का? भौतिक गुण है। और नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। भौतिक परिवर्तन में कभी भी किसी नए पदार्थ या तत्व का निर्माण नहीं होता है। आप इस चीज को अच्छी तरीके से याद रखिए कि भौतिक परिवर्तन में मेरे भाई कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, यानी कि जैसे जल से पानी बन रहा है और पानी से वाष्प बन रहा है, चीज तीनों एक ही है, कोई नई चीजें इसमें नहीं बनी है। जल भी पानी का ही रूप है, पानी जल का रूप है, और ये सब चीजें ही वाष्प का रूप है। रूप चेंज हुआ है ना, जब प्लास्टिक के डब्बे को दबाव डाला तो अंदर की ओर घुस गया, जब दबाव छोड़ा तो डब्बा दोबारा अपनी उसी स्थिति में आ गया। ये ही क्या है? भौतिक परिवर्तन। अब हम देखते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन ये वे परिवर्तन है जिनमें पदार्थ के रासायनिक गुणों तथा संगठन में परिवर्तन होता है तथा नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा? नए पदार्थ का निर्माण होना जरूरी होता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन होता है, तो केमिकल रिएक्शन से नया पदार्थ का निर्माण अवश्य होगा। और रासायनिक परिवर्तन होने पर परिवर्तन का कारण हटाने पर आवश्यक नहीं कि प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो, जैसे कोयले को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। सी कोयला, सी क्या है? कोयला। और ऑटो क्या है? ऑक्सीजन गैस। जब दोनों को जलाया जाएगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है? एक प्रकार की गैस है। हुआ क्या ये? रासायनिक परिवर्तन। जब कोयला प्लस में ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस तो आग जलने में सहायक होती है, जब जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। रूप चेंज हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन किस में बदला? कार्बन डाइऑक्साइड में। हुआ ना रूप चेंज? तो ये ही होता है रासायनिक परिवर्तन। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया से नए रासायनिक संगठन वाले पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनता है, तथा इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड से पुनः कोयला प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसमें मेरे भाई कोयला दोबारा से प्राप्त नहीं हो सकता। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन वन वे होता है, एक ही साइड में घटित होने वाली क्रिया भी रासायनिक परिवर्तन में ही आती है। इसके अन्य उदाहरण देख लेते हैं, दूध से दही का जमना और बनी हुई सब्जी खराब होना, लोहे पर जंग लगना। लोहे पे जंग लगना बहुत सी एग्जाम में आता रहता है, आगे भी आएगा पक्की बात है, राजस्थान पुलिस में तो 2-3 बार पूछा जा चुका है। लोहे पे जंग लगना कौन सा रासायनिक, कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के गुण, रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ रासायनिक गुणों व संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है, तथा सामान्यतः पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी कि दोबारा उसका हम जैसे फर्स्ट जो पदार्थ होता है उसको दोबारा से हम प्राप्त उसका नहीं कर सकते, या जैसे रिसाइकल जो होता है वो रासायनिक परिवर्तन में नहीं किया जा सकता। पदार्थ का रूप ही चेंज होता हो जाता है, बेसिक जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो ही चेंज हो जाता है, और रासायनिक परिवर्तन में हमेशा नया पदार्थ बनता है। सामान्यतः पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता रासायनिक परिवर्तन में, और रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है। स्थायी होता है कि यदि एक बार किसी पदार्थ के जंग लग गया तो जंग स्थायी हो गया वो, और यह परिवर्तन स्थायी होता है, तथा नए पदार्थ का निर्माण रासायनिक परिवर्तन में होता
होता है। अब देखिए रासायनिक और भौतिक जो परिवर्तन है इनमें मुख्य डिफरेंस क्या है। रासायनिक जो परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन से बनने वाला जो पदार्थ है वो रासायनिक गुणों तथा संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होता है और सामान्यतः प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, जबकि भौतिक पदार्थ में पदार्थ के केवल भौतिक गुणों जैसे अवस्था, रंग, गंध आदि में परिवर्तन होता है। जब और सेकंड क्या है कि परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। प्लास्टिक के डब्बे को यदि दबाव नहीं डालेंगे तो पुनः उसी स्थिति में आ जाता है। सामान्यतः प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता रासायनिक परिवर्तन में, जबकि भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। और जो रासायनिक परिवर्तन होता है यह स्थायी होता है, जबकि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होता है। और रासायनिक परिवर्तन इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, जबकि भौतिक पदार्थ में किसी भी नए पदार्थ का परिवर्तन, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। और रासायनिक परिवर्तन में लोहे का परजंग लगना और भौतिक परिवर्तन का जो उदाहरण है वो जैसे बर्फ से जल बनना और जल से जल वाष्प बनना। तो इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में आपका एक टॉपिक कवर हो गया है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। आप इसको एक बार पूरा अवश्य देखें, अवश्य इसको ध्यान से पढ़ें। हमारे इस चैनल पर आप सदा बने रहिए। हम रेगुलर रोज शाम को 3 बजे साइंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन पोस्ट करते हैं। आप घंटे के निशान पर क्लिक कर लीजिए जिससे नया वीडियो आप तक समय पर पहुंच पाए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।